बिना अनियमितता के चल रहे प्राइवेट हॉस्पिटल पुष्पांजलि को सिटी मजिस्ट्रेट और सीएमओ ने किया सीज। फिरोजाबाद थाना रसूलपुर क्षेत्र में नगला बड़ी चौराहे के समीप पुष्पांजलि हॉस्पिटल रोड नगर मजिस्ट्रेट कुमार पंकज एवं सीएमओ विनोद कुमार डिप्टी सीएमओ डॉक्टर कुलदीप तोमर द्वारा सीज किया गया। काफी समय से चल रहे फिरोजाबाद में फर्जीवाड़े से चल रहे हॉस्पिटलों पर छापेमार कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि पुष्पांजलि हॉस्पिटल में एक मरीज महिला जिसका ऑपरेशन होकर बेड पर पड़ी थी, वही मरीज के परिजनों ने बताया कि करीबन 10,000 रुपए जमा करा लिए हैं। वही नगर मजिस्ट्रेट कुमार पंकज ने बताया कि कई मासूमों की फर्जीवाड़े हॉस्पिटल में जाने जा चुकी हैं। अगर इस तरह का हॉस्पिटल फर्जी पाया जाता है तो कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कार्रवाई की जा रही है और कहाँ की गई और क्या नाम है हॉस्पिटल का? ये पुष्पांजलि हॉस्पिटल है। अभी विगत दिनों में यहाँ पर एक महिला की मृत्यु हो गई और उसके परिवारिक जनों ने शिकायत की कि उसमें इसको सही से इलाज नहीं मिला। इस संदर्भ में थाना रसूलपुर में एक FIR भी पंजीकृत की गई। अभी हाल में 19 तारीख को डिप्टी CMO डॉक्टर विनोद अपने एक साथी के साथ यहाँ पर आए और इन्होंने इस अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें उनके द्वारा पाया गया कि यहाँ पर हॉस्पिटल में तो कोई नहीं मिला। हॉस्पिटल में 7 बेड प्राइवेट में और 9 बेड ICU में इनको मिले, लेकिन कोई भी मरीज भर्ती नहीं था। अस्पताल वालों ने 22 तारीख को CMO को एक एड्रेस करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि हम लोग इस अस्पताल को बंद कर रहे हैं। पूर्व में भी इस अस्पताल का पंजीकरण निरस्त हो चुका था, लेकिन कोविड के चलते या किन्हीं कारणों से ये अस्पताल चलता रहा और इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहा। अब जो है, जब आज हम लोग इसको पुनः निरीक्षण करने आए तो इस अस्पताल में एक प्रियंका वाइफ ऑफ उपेंद्र ग्राम चमरौली यहाँ पर भर्ती पाई गई। इसका मतलब है कि ये अस्पताल चल रहा, उनकी फाइल भी मिली है और उनकी फाइल में उनको 2 दिन पहले यहाँ ऑपरेट करके एक बच्चा की डिलीवरी हुई है। यद्यपि जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ थे, लेकिन चूंकि अस्पताल में भर्ती थे तो उन्हें यहाँ से मेडिकल सुपरविज़न में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद इस अस्पताल को पूरा सील किया जा रहा है। सर, किस तो कौन है मालिक इसका, पुष्पांजलि का? अभी तक कोई मालिक प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रकाश में नहीं आया। मैं तो इस केस के ही संदर्भ में जितनी बार इस अस्पताल में आया हूँ कोई व्यक्ति इसमें मिला नहीं है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये अस्पताल बंद है, लेकिन आज उस मरीज को भर्ती देखकर ऐसा लग रहा कि ये अस्पताल जो है, जो शपथ पत्र भी इन्होंने जो दिया है CMO दफ्तर में, उसमें इन्होंने लिखा कि अस्पताल बंद कर रहे हैं, लेकिन ये अस्पताल बंद नहीं है।